अगर आप भी लेना चाहते हैं ग्रीन टी और यूज़ करना चाहते हैं तो उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। दोस्तों ग्रीन टी की अगर हम बात करें तो हम लिफ्टिन ब्रांड का ग्रीन टी यूज़ करते हैं, 100 ग्राम का ये ग्रीन टी है और इसके प्राइस की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 155 रुपये में ये देखने को मिल जाती है और इसकी एक्सपायरी की जो डेट होती है वो लगभग 1.5 साल की होती है। यहाँ पर हमने इसको न्यू लेकर आए हैं हम और इसको हमने ओपन करके रखा है। तो ग्रीन टी मैं आपको एक ग्रीन टी बता देता हूँ कि किस प्रकार से देखने को मिलती है। तो ग्रीन टी आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिप्टिन ग्रीन टी है ये, कुछ इस प्रकार की पत्तियाँ होती हैं और ये पत्तियाँ हम इसी में डाल देते हैं और हम इसको थोड़ा बंद करते हैं और अब जानते हैं इसके फ़ायदे नुकसान, कैसे यूज़ करना है और किस किस को ये यूज़ करना है। तो अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, 18 साल से नीचे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। यहाँ पर बनाने का सारा तरीका यहाँ पर बताया गया है कि आपको जो है सबसे पहले लगभग से 25 ग्राम तो टी लेना है, ठीक है। सो मतलब 25 ग्राम से भी काफ़ी कम, 25 ग्राम तो इन्होंने बहुत ज़्यादा लिख दिया है, क्या बताइए किस प्रकार से इन्होंने लिखा है। आप ये मान के चलिए 100 ग्राम की तो ये टोटल ही है, पर इनका 25 ग्राम पता नहीं किस हिसाब से होता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपको एक चुटकी लेना है ग्रीन टी और उसको लगभग कितने पानी में डालना है, सिर्फ आपका एक कप, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि भैया ऐसा नहीं करेंगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो एक कप में आपको इसको लेना है और उसके बाद क्या करना है, उस जो कप पानी लिया है उसको उबालना है। उसके बाद जब वो पानी उबल जाए तो उसमें एक चुटकी ग्रीन टी या फिर एक छोटी चम्मच से ग्रीन टी डाल दीजिए और जैसे ही 1.5 मिनट हो वो पानी येलो हो जाए आपको उस पानी को छान लेना है, गरम गरम ही उसको यूज़ करना है, थोड़ा उतना गर्म यूज़ करना है जितने से आपकी जीभ जले ना, उसको यूज़ कीजिए, उसी से आपको सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं, पहला बॉडी पर फैट नहीं बढ़ेगा, जो फैट है वो धीरे धीरे कम होगा, बस आप थोड़ा सा अपना खाना कम कर दीजिए और जो तली भुनी ज़्यादा फैटी वाली चीज़ें खाते हैं जिनसे फैट बढ़ता है उनको थोड़ा कम कर दीजिए, बाकी का जो सारा काम है वो ग्रीन टी कर देगी। और थोड़ा थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी भी कर लीजिए, उससे भी काफ़ी अच्छा रहता है। अब आप बोलोगे तो फिर ग्रीन टी का क्या फ़ायदा है, ग्रीन टी का फ़ायदा ये है कि ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बॉडी पर फालतू फैट जमने नहीं देता है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि आप गूगल वगैरह कर लीजिएगा तो वहाँ पर डिटेल में आपको बता दिए जाएंगे, बट मैं सिर्फ 2 पर्सनल ही बताऊंगा क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस करा है वही, इससे आप अच्छे से पतले हो जाते हो और दूसरा आपकी इम्यूनिटी को ये बूस्ट कर देता है, ठीक है। तो 2 इसके मेजर बेनिफिट्स आप बोल सकते हैं। इसके अलावा नुकसान, कोई नुकसान मुझे देखने को नहीं मिला है, बट कुछ कुछ लोग ऐसा बताते हैं मेरे जान पहचान में कि उनके इससे बाल झड़ने की प्रॉब्लम हुई, बट ये कितनी सच है मुझे नहीं लगता है क्योंकि मेरे बाल झड़ने की प्रॉब्लम तो कोई इससे नहीं हुई है। बाल झड़ना एक अलग चीज़ होती है, हाँ अगर आपके बिल्कुल बाल नहीं झड़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं झड़ रहे हैं, ठीक है, आप इसको यूज़ कर रहे हैं उसके बाद आप देखते हैं कि आपके बाल झड़ना शुरू हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको हो सकता है सूट ना करे, फिर इसको बंद कीजिए और देखिए कि बाल वापस झड़ना बंद हुए या नहीं हुए। अगर वापस झड़ना बंद हो गए तो समझो फिर आपके लिए नहीं है। देखो हर एक प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं बना होता है, वो हर किसी को सूट नहीं करता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना पड़ता है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ग्रीन टी का वीडियो आपको पसंद आया हो, लिप्टिन ग्रीन टी का, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।